अच्छा आजकल ना लेटेस्ट एक चीज बताइए, बहुत से पति भी अपनी पत्नियों के लिए उपवास रखते हैं, आप भी यकीन रखते हैं? वैसे अमित को लगता है वो वैसे ही उपवास में रहते हैं। मैंने आज तक तो नहीं रखा क्योंकि मेरा वेट लूज हो जाता है। He's maintaining his figure. Okay. मैं कोशिश करता हूँ हाफ डे करने का क्योंकि okay. ये कला इन्हीं में ही है। ये सिर्फ हिम्मत की जरूरत होती है, आप मानेंगे? बहुत बड़ी हिम्मत। नहीं नहीं, ये सरगी मेरे साथ पूरी खाते हैं, लंच तक ही सर्वाइव्ड एनी हाउ, उसके बाद ही वांट अ फुल मील एंड फिर उसके बाद डिनर। वो कहते हैं डिनर तो साथ ही हो जाता है, लंच भी चाहिए बीच में। सरगी जो होती है मॉर्निंग वाली, वो उसमें दो, लेट मी टेल यू, मैं एक पराठा खाती हूँ, तीन खाती हूँ। देखिए वो वहाँ पे है ना आपका, मतलब हौसला बढ़ाने के लिए। तो ऐसी ही मीठी मीठी नोक झोंक वाली बात होती है। एक चीज बताइए, आपकी पत्नी इतनी खूबसूरत से तैयार हुई है, आई बिलीव ये सेट आपने गिफ्ट किया है। ये इन्होंने अपने लिए गिफ्ट किया है, मेरे लिए भी यही लाती हैं। अच्छा, बिल आपके पास पहुंच जाता है? बिल का क्या है वो तो पता नहीं चलता। ऐसे ही हो जाता है, मैनेज हो रहा है किसी तरह। देखिए ऐसी मजेदार बातें होती है और जो सफर है वो आगे बढ़ता रहता है। मेरा और रियान शर्मा का फैसला बहुत चौकिक है। जिस सच का सामना आराधना नहीं कर पाई थी, उस सच को छोड़कर अपने उसी पुराने शहर में वो आगे बढ़ गई थी। अब देहरादून में उसकी नई जिंदगी की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब रेयांश और आराधना के उस एमएमएस ने देहरादून में भी अपना काम कर दिखाया है। ऑफिस में आज जैसे ही आराधना आई, ये देखिए सब उसे कैसे देखने लग गए। अब आराधना और रियांश को पता चल गया है कि उनका एमएमएस वाला वीडियो लीक हो गया है। पूरे ऑफिस के स्टाफ के सामने उसने ये माना कि रियांश और उसके बीच कभी प्यार था। आज आराधना किसी से नहीं डर रही है और ना ही अपना सच छुपा रही है। रियांश पीछे खड़ा इस सब सुन रहा है। अब बात और आगे बढ़े इससे पहले वो आराधना को यहाँ से ले गया है। अब जाहिर सी बात है, जब इनके बीच प्यार था और उस प्यार का खुलासा अब यहाँ पर सबके सामने हुआ है, तो लोग बातें भी करेंगे और इनका ये सच आगे भी सबको पता चलेगा। उस वक्त क्या होगा ये तो हम जानते हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल हिक्की माया को नहीं पता है आराधना और रियांश के उस एमएमएस के बारे में। तभी तो वो आई है ऑफिस में केक लेकर रियांश का जन्मदिन सेलिब्रेट करने। यहाँ पर आराधना भी मौजूद है और रियांश आराधना को जलाने के लिए हिक्की माया के साथ कुछ ज्यादा ही करीब आने की कोशिश कर रहा है। व्यूअर्स को लव हेट स्टोरी ज्यादा पसंद आ रही है आराधना और रियांश की, तो वो तो चलता ही रहेगा दोनों की नोकझोंक। और आराधना का भी ये है कि वो की माया को बचाना चाहती है रियांश से, क्योंकि उसे पता है कि रियांश का क्या इंटेंशन है, क्या थॉट है उसका शादी करने के पीछे। तो वो सारा प्लान फेल करके अपनी बहन को बचाना चाहती है, तो बहुत सारा हंगामा होने वाला है आगे। आप जन्मदिन सेलिब्रेट कर लीजिए, लेकिन घर पर आपके पहुँचने से पहले ही एमएमएस पहुँचने वाला है और उसके बाद रियांश को तो कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन हाँ आराधना के कैरेक्टर पर फिर से सवाल उठने लगेंगे। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
Oh my God, did you see Karwa Chauth par Mrs. Yadav kya pehen ke ghoom rahi thi? I mean, excuse me, that is such a old fashion. Matlab, Karwa Chauth par to latest kuch pehenna hi chahiye na. Ji haan, aisi bahut si gossip kal aapne suni hogi. Lekin filhal hum aapko kisne kaha kya pehna ye wali gossip nahi de rahe. Hum de rahe TV ki duniya ki authentic gossip with Chugalkhor aunty. Lo bhai, main aa gayi aur sabse pehle chugli laayi hoon. सीरियल गुम है किसी के प्यार में की। अब भाई ईशान ने सब कुछ करके देख लिया, कभी वो प्रोफेसर बनने की कोशिश किया तो कभी मेंटोर, और अब तो उसने दोस्त भी बनकर देख लिया। लेकिन इसके बावजूद सभी की अटेंशन उसे उस तरह से नहीं मिल रही है जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन ईशान कहां हार मानने वालों में से है, उसे मिल गया है एक और मौका उसका दिल जीतने का। अब ये तो हमने पहले ही बताया था कि ईशान उसके बर्थडे पर अपनी फीलिंग्स को बताना चाहता है, लेकिन इसके लिए अब वो पार्टी की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन चुपके चुपके। तो डन, सभी की जो सरप्राइज बर्थडे प्लानिंग है, इस चीज में मैं कुछ भी नहीं कर रहा, जो कुछ भी कर रहे हैं आप सब लोग कर रहे हैं। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल अनुपमा की। अब मालती देवी भी ना पक्का सास बनने पर उतारू हो गई हैं। अब जो जैसा करता है उसे वैसा ही तो मिलता है। उन्होंने सोचा कि वो लीला को टॉन्ट मारेंगी, लेकिन यहाँ तो लीला ने उन्हें ही सुना दिया। हाँ बोलो, आपकी एक्स बहू से आपको गहने लेना शोभा देता है? जिस अनुपमा को आप बर्बाद करने पर तुली थी, उसी के घर में रहना आपको शोभा देता है? लेकिन अनुज के नाम पर मालती देवी बस अनुपमा से बदला लेना चाहती है, क्योंकि उसे तो लगता है कि अनुपमा ने उसके बेटे को अपने वश में कर लिया है, और अब तो उसका साथ लीला भी दे रही है। मेरा बेटा कितना भोला है कि अनुपमा और शास के इशारों पर नाचता रहता है, पर अब ये सब नहीं चलेगा। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अब अक्षरा की जिंदगी में तूफान ही तूफान है। पहले से ही सब आरोही की वजह से अक्षरा से नाराज है। वही अब अबीर और अभिमन्यु भी उसी के पास आ रहे थे, लेकिन आने से पहले एक्सीडेंट हो जाएगा। अब आपको पहले बता दूं कि अक्षरा अभिमन्यु का इंतजार कर रही थी। बेटा ये कहाँ रह गए? पता नहीं पंडित जी, घाटी वाले रास्ते से आ रहे थे। क्यों, वापस जाना पड़ेगा? बेटा उस रोड में लैंडस्लाइड हो गया। लेकिन उसे लैंडस्लाइडिंग की खबर मिलती है। अब जैसे तैसे अक्षरा अभिमन्यु को मिलने तो पहुंचेगी, लेकिन उसकी धड़कनें काफी तेज हैं, उतनी ही तेज जितने इनके फैंस की है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि शो का अंत कुछ ऐसा ही हो सकता है। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल तेरी मेरी डोरियां की। अब भाई यहाँ तो सीरत हाथ धो के पीछे पड़ गई है अंगद के, लेकिन सच तो सच होता है, वो ज्यादा दिन छुपाए नहीं छुपता, और आज अंगद को सीरत का सच पता चल चुका है। उसे ये भी समझ आ गया है कि इन मिसअंडरस्टैंडिंग के पीछे कोई और नहीं बल्कि सीरत है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट ना आए ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि साहिबा वहां आ जाती है और एक बार फिर उसे मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। सीरत तुम? नहीं, उस दिन भी तुम ही थी। मैंने साहिबा से अपने दिल की बात कहनी चाहिए। तुम्हारी वजह से मेरा और साहिबा का रिश्ता गलतफहमी का शिकार हुआ। आज तुम्हें सबके सामने इस बात का जवाब देना होगा। मैं क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल चांद जलने लगा की, क्योंकि अतीत में मिले हुए दर्द को देव भुलाए नहीं भूल पा रहा है, वो इसमें काफी जल रहा है, और आज प्रॉपर्टी के बहाने ही सही उसने तारा से अपने दिल की सारी भड़ास निकालने की कोशिश की। वो जानना चाहता है हर एक चीज के बारे में, ताकि वो हिसाब ले सके कि उसके साथ क्या कुछ हुआ। अब तारा तो अनजान बनी हुई है, लेकिन देव उसे ये भूलने नहीं देगा,
कि उसके साथ क्या कुछ हुआ था? मुझे याद नहीं। याद नहीं है या भुला दिया आपने? क्योंकि जब आग लगती है ना, तब मासूम चेहरे, आशाएं, जिंदगियां सब झुलस जाती है। और इसी के साथ तारा को ये भी रियलाइज होगा कि ये सब देव आखिर उससे क्यों जानना चाहता है। हाथ छोड़िए मेरा। किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ था। अपनी आंखें बंद कीजिए और याद कीजिए वो रात जब वो हादसा हुआ था। किसी की पूरी दुनिया तबाह हो गई, आपके लिए कोई नुकसान नहीं हुआ था। लो भाई मैं तो चली। सीरियल पंड्या स्टोर में अभी लव इज इन दी एयर एंड इट्स गोइंग टू स्टे इन दी एयर फॉर सम टाइम, ऐसा देखने से लग रहा है। देखिए ना, एक तरफ तो चीकू जो है ईशा को घर ले आए हैं और इसके बाद इनकी इश्कियां शुरू होने वाली है, तो वहीं धवल और नताशा भी पास आते हुए नजर आ रहे हैं। जिसे जहाँ पहुँचना होता है वो समय को थोड़ी ही देखता है, वो तो बस पहुँच जाता है। अब एक तरफ धवल और नताशा करीब आ रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर ईशा और चीकू के बीच भी करीब आने वाला ट्रैक शुरू हो गया है। चीकू और ईशा की मुलाकात कुछ इस कदर बढ़ी कि ये देखिए चीकू ईशा को अपने घर ले आया है। अब एक अनजान लड़की को जब दामा ने अपने घर में पाया, वो भी चीकू के साथ, तब उन्होंने कुछ ऐसा सोच लिया जो कुछ शायद ज्यादा हो गया। दामा को लगा कि इन दोनों ने कहीं शादी तो नहीं कर ली है, और तो और छोटा चीकू विकू तो नहीं आने वाला है। दादी को पता नहीं क्या लग रहा है कि छोटा चीकू आने वाला है या क्या होने वाला है, बट ऐसा कुछ नहीं है, आगे है, देखते हैं, बट अभी फिलहाल कुछ नहीं है। जबकि चीकू ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, अब भी कुछ है नहीं, लेकिन हमें पता है कि होने वाला जरूर है। साहिल को तो पता नहीं ना, राइटर्स के हाथ में है, वो बहन भी बना सकते हैं, कोई बिट पुरानी निकल जाए बहन, बट आई डोंट नो लव इंटरेस्ट है नहीं है वो, आई थिंक लेट इट बी अ सरप्राइज फॉर द ऑडियंस, वी विल गेट टू नो। उधर धवल और नताशा की लव स्टोरी शुरू होगी, तो इधर इन दोनों के भी लव स्टोरी शुरू होगी, यानी कि अब सीरियल में ये प्यार की बरसात होने वाली है। तो अच्छा है कि एक और यू नो कैरेक्टर आया है, तो लेयरिंग मिल जाती है, डिफरेंट सीन्स आते हैं, सो व्हिच वी आर एंजॉयिंग। अभी सीन्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, फन जोन में आ रहे हैं, तो मजा आ रहा है। एक कुछ दिनों तक ड्रामे को थोड़ा सा साइड में रखेंगे और प्यार रोमांस की ओर ध्यान देंगे। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। बातें कुछ अनकही सी, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो इस सीरियल में अनकहा कुछ भी नहीं है, वही घिसा पिटा ट्रैक जहां बहन ही बहन के सुहाग को लूटने के लिए तैयार खड़ी रहती है। बहरहाल यहां पर वंदना ने अपनी बहन को जोरदार तमाचा जरूर जड़ दिया है कि भैया तुम अपनी ही बहन के घर में डाका डालना चाह रही हो। इसकी शादी नहीं हुई ना, तो मांग में सिंदूर कैसे आया? किसने भरा? किसने भरा? आपके दमाद बंदरा के बंदर के पति ने दे रहा ने। ये दोनों जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा दे देते हैं, और वो देख लिया उसने। पुराना जख्म और कड़वा सच जब ये दोनों ही सामने आते हैं ना, तो इंसान को तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। आज वंदना को उसके अपनों ने ही धोखा दिया है, एक तरफ उसका सुहाग तो दूसरी तरफ उसकी बहन, दोनों मिलकर वंदना को बेवकूफ बना रहे थे, धोखा दे रहे थे। कुणाल ने आज इनके छुपे हुए रिश्ते को सबके सामने उजागर कर दिया। शर्म नहीं आई, क्यों चुप है? आपने ये
दिखाई नहीं दे रहा है। ये रुणा के माथे पे देखिए, नाम में सिंदूर है, उसका हाथ सिंदूर से लाल है। इसकी शादी नहीं हुई ना, तो मांग में सिंदूर कैसे आया? किसने भरा? किसने भरा? ये दोनों जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा दे रहे थे और वो देख लिया उसने। इस सब को पता चल गया कि वैभव और मृणाल के बीच रिश्ता है, दोनों ने चोरी चुपके शादी कर ली है। तभी तो दुर्गा पूजा में वैभव ने मृणाल की मांग भर दी और वही देखकर सदमे में आ गई वंदना। कुणाल को वैसे ही बड़ा दुख हो रहा है, बिकॉज उसके साथ ऐसा हो चुका है, जब उसका भी पास्ट में ऐसा हो चुका हुआ है, जब उसका हार्ट ब्रेक हुआ था, उसके साथ सोनिया ने धोखा किया था, आज उसके साथ वंदना के साथ सेम होता है दशहरा पे, वो देख लेती है वैभव को मृणाल के साथ, अपनी बहन के साथ, एंड शी गोज इनटू अ ट्रॉमा। घर में हंगामा हुआ और हंगामे को सुनकर वंदना उठ गई और उसके बाद उसने भी बहुत कुछ सुनाया अपने पति और बहन को। अब इन्हें ना अपने किए पर थोड़ा सा भी पछतावा नहीं है। वैभव को देखिए, वंदना को कह रहा है कि तुम उम्र में कितनी बड़ी हो, ना खूबसूरत हो, ना तुम्हारे में कोई ऐसी बात है, जब देखो यही बताती रहती हो कि इसका बोझा उसका बोझा। ये सुन सुनकर मेरे कान पक गए। तो भाई वैभव, जरा ये तो बताइए, ये सब तो आपको पहले से पता था ना, फिर सब जानने के बाद भी वंदना से शादी क्यों की, मना कर देते? उसने तो फोर्स नहीं किया था शादी के लिए। अब ये बात तो तय है कि आज के बाद रिश्ता खत्म हो गया, इनके बीच अब कोई बहन और पति का रिश्ता नहीं बचेगा। वंदना जिस दौर से गुजर रही है, जिस सिचुएशन से गुजर रही है, और कुणाल उस चीज से गुजर चुका है, तो उसको पता है कि इस वक्त कैसा लगता है और कैसा महसूस होता है, तो उसको सब अच्छे से पता है, वो वंदना की पूरी मदद करेगा। और ये तो होना ही चाहिए था, क्योंकि हम जानते हैं कि अब आगे वंदना का नया रिश्ता इंतजार कर रहा है। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। और फाइनली वो क्षण आ ही गया जिसका हम में से कोई इंतजार नहीं कर रहा था। जी हाँ, द वेरी प्यारी जोड़ी ऑफ ये रिश्ता क्या कहलाता है अवीरा, उनका लास्ट इंटरव्यू जो हम आपको दिखाएंगे सास बहू और साजिश में। जी हाँ, दिस इज अभिमन्यु बिरला एंड अक्षरा साइनिंग ऑफ फ्रॉम ये रिश्ता क्या कहलाता है। मुझे याद है वो दिन और आज का दिन। साइनिंग ऑफ अभिमन्यु बिरला। हम जानते हैं कि ये सुनकर आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अब आपको अभिमन्यु बिरला इस सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में देखने नहीं मिलेगा, और उनका साथ देने वाली प्रणाली राठौर यानी कि आप सबकी प्यारी अक्षरा वो भी अब नजर नहीं आएंगी। तो ऐसे में इस साइनिंग ऑफ तो कहना ही था यार। इनिशियली तो एवरीथिंग आई थिंक एक्चुअली हर चीज होती चालू कहाँ से होती है, इंटेंशन से चालू होती है, टू बी एबल टू डू द बेस्ट वी कैन, एंड जब तक वो इंटेंशन था सब परफेक्ट था। बहुत यार क्या क्या किया है, कैसी कैसी चीज़ें, आई एवरी डे मैं आता था, मैं सोचता था मैं करूँ क्या, मतलब हो गया ना, इससे ज़्यादा बच्चे की जान लोगे क्या, बट देन आई थिंक दैट इज व्हाट रिवॉर्ड्स आल्सो। मेरे फिटनेस की बात तो मैं नहीं जानती, सिर्फ बड़ा पाव खाया है मैंने, बट डांस करने में मुझे बड़ा मज़ा आया। आई थिंक डांस मुझे करना बहुत अच्छा लगता है, और हमने आई थिंक इतना डांस किया कि मैं सीख चुकी हूँ बहुत कुछ, मेरा डांस बहुत इम्प्रूव हुआ है। And और पता है, it was almost like ragging. ये वाला अच्छा कर दिया, अच्छा अब ये करके दिखाओ। हाँ, फिर वो कर लिया, अच्छा अब ये करके दिखाओ। चैलेंज लेके हम करते भी थे। भाई साहब, कसम से। Had fun. अब जाते जाते बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन पर हमने गौर फरमाया है।
ये रिश्ता के सेट पर हर्षत और प्रणाली का एक साथ इस सास बहू और साजिश पर ये आखिरी इंटरव्यू है। इस आखिरी इंटरव्यू के दौरान हमने सोचा कि क्यों ना एक कुछ वक्त इनके साथ गुजारा जाए, जहां पर सीन भी शूट होना है और हबड़ा दबड़ी के बीच इंटरव्यूज भी करने हैं। अब हम तो स्टार्ट से एक्सप्रेस कर रहे हैं यार, मजा कर, मतलब हम लोग बहुत मस्ती करते हैं सेट पे। आई थिंक भाई बाय इज द आंसर। या स्टार कास्ट बहुत अच्छी लग रही है एंड सब बहुत अच्छा लग रहा है, वी आर वेरी हैप्पी। ऑल द बेस्ट गाइस। अभिमन्यु के साथ नन्हा अबीर भी है। अब भाई इन दोनों का रिश्ता शो के साथ जुड़ा है। अब किरदार छूट रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। हर्षद चोपड़ा के ये फेवरेट हैं अबीर, तभी तो देखिए कैसे साथ साथ दोनों चल रही हैं। हम लोग वो सब करते थे ना, ट्रिक्स वगैरह, वो बहुत सारी चीजें कर सकता है जो फिर वही बात करे अक्षरा की तो अक्षरा भी थोड़ी सी हबड़ा दबड़ी में है। अब क्या करे, इस समय कम है और काम ज्यादा। जाते जाते आखिरी फ्रेम में दोनों को कैप्चर किया गया है, जहां पर बदतमीज दिल का हुक स्टेप करते नजर आए और साथ ही इनकी वो मस्ती भी देखने मिली जो हमेशा देखने मिलती है। अब बात करेंगे पहली मुलाकात की, जो कि हमारी भी बहुत खास थी इनके साथ। सीरियल चलता है, किरदार आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो किरदार छूट जाते हैं वो भी तो उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं और हमेशा रहते हैं। फर्स्ट डे हम लोग आउटडोर पे, आई मीन उदयपुर, हाँ यहाँ पर हुआ था थोड़ा सा, बट जो फर्स्ट डे था वो वहीं पर था, अर्ली मॉर्निंग आई थिंक। नहीं नहीं, वो तो सन उगने का टाइम था, हमारे उगने का अलग था। आई थिंक कुछ 3-4-5 बजे, सब डिपेंडिंग ऑन देयर कॉल टाइम, दे वोक अप एंड वी स्टार्टेड दिस शो। आई थिंक फर्स्ट वी डिड वाज जिया, या And then we started. हर्षद चोपड़ा को इंडस्ट्री में काफी साल हो गए हैं, उन्होंने काफी शोज भी किए हैं। वहीं अगर प्रणाली की बात करें तो उनके करियर का ये बहुत बड़ा ब्रेक था, ऐसे में इस शो से उन्हें बहुत कुछ मिला, बहुत सारी यादें ये दोनों समेट कर लेकर जा रही हैं। कुछ यादगार पल, कुछ बीते लम्हे जो हमारे साथ शेयर किए गए। या अब तो मैं कह रही हूँ सबको मेरे समोसे वाली स्टोरी याद भी होगी। अब तो वो पुरानी हो गई है बात, वो बात पुरानी हो गई है, वो वाली हो गई है। पहली बार तो मॉक शूट वाला ही था यार, कितनी बार बताया हमने, हमने वो इनफैक्ट राता लंबिया, वो किसी ने तो सोशल मीडिया पे भी डाला था कि हमने पूरा वो शूट किया था। इट वॉज क्वाइट फन एक्चुअली, तो मुझे याद है वो दिन और आज का दिन। आज हम फन कर रहे हैं, 2 साल हो गए उस बात को। मुझे वो वाला दिन याद है, द फर्स्ट प्रोमो शूट When we were there, कुंड, you know, इच्छा कुंड। Yeah. अब देखिए हर्षद और प्रणाली, हम जानते हैं कि कभी भी ये नहीं कहते हैं हम कि मैं जाता हूँ। हमारी इंडस्ट्री में हमेशा ये कहा जाता है कि मैं जाकर आता हूँ, इसका मतलब ये होता है कि हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। और आप दोनों से तो हमारा बहुत प्यारा रिश्ता है, तो यकीनन शो आपको अब मिले या कुछ दिनों बाद मिले, मुलाकात तो हमारी होती ही रहेगी। अब रिश्ता इतना पुराना है तो भाई हक से कहेंगे कि हम आपसे दोबारा जरूर मिलेंगे। मुंबई से कैमरामैन आतिश कामड़े और स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
सीरियल कुंडली भाग्य में एक तरफ जहां खुशी है कि प्रीता जो है फाइनली अपने ससुराल में लौट आई है, लेकिन वहीं आते ही प्रीता को मिली है एक ऐसी न्यूज जिसने कहीं ना कहीं उसका दिल खूब दुखाया है। पता लगा है प्रीता को कि सृष्टि जिसमें उसकी जान बसती है वो एक्चुअली कोमा में है। को प्रीता मिल गई है और अब प्रीता ससुराल लौट आई है। एक काव्या खुश हो रही है अपनी माँ को देखकर। अब लूथरा हाउस पहुँचने के बाद प्रीता को पता चला कि सृष्टि अस्पताल में है और जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। ऐसे में वो अस्पताल की तरफ भागी। वो बहन जिसने हमेशा प्रीता का साथ दिया, आज वो किसी भी पल इस दुनिया को छोड़कर जा सकती है। प्रीता अस्पताल पहुंची। जो इसने प्रॉमिस किया था घर वालों को कि मैं प्रीता को उसके बर्थडे वाले दिन घर वापस लेकर आऊंगा, वो इसने प्रॉमिस जाने अनजाने किसी भी तरीके बाय लक कैसे भी वो पूरा हुआ है। अस्पताल में राजबीर और बाकी के घर वाले भी हैं। अब डॉक्टर ने कहा कि भाई सृष्टि को बचाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि 90% उसका शरीर जल गया है। ऐसे में अब वो भगवान के पास आई है प्रार्थना करने कि मेरी बहन की जिंदगी को बख्श दो। सृष्टि जी, जो बताया जा रहा है कि वो जल चुकी हैं, 90% जल चुकी है और अभी तो वो कोमा में भी जा चुकी है, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग सिचुएशन हो गया है और ख़ासकर प्रीता जी के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता ही है इतनी लंबी जर्नी रही है और सृष्टि हमेशा प्रीता के साथ रही है, तो प्रीता जी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया इस चीज़ से बाहर निकलना। अब भगवान ने प्रीता की गुहार सुन ली है, तभी तो सृष्टि की जान बच गई, लेकिन वो कोमा में चली गई है। अब सृष्टि का कोमा में जाना निधि के लिए वरदान साबित हुआ है क्योंकि सृष्टि ने देख लिया है कि उसे मारने वाली कोई और नहीं काव्या थी। अब दिवाली का त्योहार है तो ऐसे में घर की लक्ष्मी घर लौटी है तो दिवाली खुशहाल तो होगी, लेकिन सृष्टि के बिना प्रीता अधूरी है। मुंबई से सोनू शुक्ला और प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल रब से है दुआ में फाइनली दुआ की दुआ कबूल हो गई। जी हाँ, हैदर ने गजल को दे दिया है तलाक और हैदर और दुआ अब फाइनली एक हो गए फॉर द टाइम भी, क्योंकि आप जानते हैं ना ये सीरियल की दुनिया है, यहाँ कब क्या नया सियापा आ जाए इट्स डिफिकल्ट टू से। इस नकाब के पीछे तुमने कई रास्ते, खुदा को गवाह बना। झूठ की उम्र बहुत ही छोटी होती है, बुराई की एक न एक दिन हार होती ही है, और आज देखी गजल के साथ यही हुआ। उसने अब तक जो जो बुरे काम किए थे, दुआ और हैदर के रिश्ते को तोड़ दिया था, आज उसी गजल का पर्दा फाश हो गया है। वो घर में आई बहू नहीं बल्कि एक नागिन है, और इस नागिन का आज पर्दा फाश हो गया है। तभी तो हैदर के सामने गजल की पूरी सच्चाई आ गई है, और अब हैदर ने बड़ा फैसला लिया है।
फाइनली गजल की हकीकत सबके सामने आ रही है, उसका सारा पर्दाफाश हो रहा है, सारे घर को रियलाइज़ हो गया है, हैदर को फाइनली रियलाइज़ हो गया, और उन्होंने कबूल भी किया कि असल में वो दुआ, उन्होंने आज तक एक ही लड़की से मोहब्बत की है, वो है दुआ हैदर अख्तर। ये देखिए, ये दुआ भी मौजूद है, हिना भी है, और बाकी के घर वाले भी। आज इन सब के सामने ये गजल को तलाक दे रहा है हैदर। ऐसा फाइनली फील हो रहा है कि शुक्र है अक्कल आई, मतलब एकदम ऐसा लगता था कि भाई नज़र नहीं आ रहा, सामने चीज़ें हैं, आप मतलब इतना ब्लाइंडेड कैसे हो सकते हो। बट देन जब आप सिचुएशन में होते हो, कभी कभी आप ब्लाइंडेड हो जाते हो चीज़ों की वजह से, सिचुएशन की वजह से। अब जिस रिश्ते में कभी कोई नाम था ही नहीं, ये भला उस रिश्ते का बोझ क्यों उठाया जाए। ये कदम तो हैदर को बहुत पहले ही उठा लेना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब जब सबको गजल का सच पता चला, लेकिन एक इंसान है जो मानने को तैयार नहीं है, और वो है हिना। फाइनली हैदर को सब दिखाई दे रहा है, और फाइनली उसने अपनी अम्मी को बोला कि आप गलत थी और आपकी गलती थी, और मतलब यू नो ही इज़ ऑल्सो टेलिंग हर, और उसने खुद को भी ब्लेम किया कि मेरी भी गलती थी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अम्मी का सारा ब्लेम डाल दिया जाए। बट अम्मी तो अभी भी हाथ में नहीं आ रही हैं, अभी भी उनको लग रहा है कि नहीं, मेरी बेटी गजल गलत नहीं हो सकती। अब दादी भी कह रही है कि तुझे ऐसी कौन सी जड़ी बूटी पिला दी है गजल ने कि तुम इसका काला सच देख ही नहीं पा रही हो। इस लड़की पे तुझे इतना अंधा यकीन है? हाँ, इसे कुछ जादू टोना तो नहीं कर दिया तुझ पे? अरे ये तो पागल हो गई है, पागल। ये गजल के कहने पे तो है ना, ये किसी का खून भी कर सकती है। अरे इससे दूर रहो, दूर। हे कोई बात नहीं दादी जी, आज नहीं तो कल जब हिना के साथ भी धोखा होगा ना, हे तब उन्हें सब पता चल जाएगा। हे फिलहाल तो खुशी का मौका है कि घर की बहू हे घर में आएगी, और जो सौतन थी हे बुरे इरादे से आई थी, वो अब घर से बाहर जाएगी। हे फैंस को तो इसी की खुशी मनानी है। हे मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा और प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। चलिए, थर्सडे टू थर्सडे निकलने वाली रिपोर्ट कार्ड आ गई है, यानी वक्त हो गया है टीआरपी का। छोटे पर्दे का रिपोर्ट कार्ड आ गया है, और यकीन मानिए इस रिपोर्ट कार्ड को देखकर आपको लगेगा कि टीवी सीरियल्स ना इन दिनों बोर्ड की एग्जाम्स दे रहे हैं। सीरियल की रेटिंग क्या सॉलिड गिरी है। इस शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, बल्कि 6-6 सीरियल हैं। जी हाँ, परिणीति, भाग्य लक्ष्मी, बातें कुछ अनकही सी, शिव शक्ति, तब त्याग तांडव, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और ये रिश्ता क्या कहलाता है, इन सभी सीरियल ने 5वां स्थान बनाया है। मानो सीरियल में कोई सेल चल रही हो। नंबर 4 पर इमली और पंड्या स्टोर ने जगह बनाई है 1.8 रेटिंग के साथ। नंबर 3 पर जो सीरियल आया है ना, उसका नाम सुनकर आप यकीनन अपने सोफे से उछल जाएंगे, क्योंकि नंबर 3 पर अनुपमा पहुंच गई है 1.9 रेटिंग के साथ। अब क्या करें, लगता है समर के मरने का ट्रैक दर्शकों को बिल्कुल पसंद नहीं आया, और उसके बाद पूरे एपिसोड में ये समझ नहीं आएगा कि कहानी में किस पर फोकस कर रही है। अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 पर तेरी मेरी डोरिया ने छलांग मारी है 2.0 रेटिंग के साथ। नंबर 1 पर गुम है किसी के प्यार में सीरियल पहुंचा है 2.4 रेटिंग के साथ। वैसे पिछले हफ्ते 2-2 सीरियल लॉन्च हुए हैं, सोनी सब पर पश्मीना, तो वहीं कलर्स टीवी पर चांद जलने लगा इस शो की 1.4 रेटिंग आई है, तो वहीं पश्मीना की 0.4।
देखिए भले ही सीरियल में सास हो, बेटी हो, बहू हो, लेकिन सीरियल बनता जा रहा है लव ट्रायंगल। हम बात कर रहे हैं सीरियल क्योंकि सास माँ बहू बेटी होती है। क्या है ना, यहाँ पर केसर से सूरज भी प्यार करता है और कबीर भी प्यार करता है। सवाल ये है कि केसर किससे प्यार करती है। इधर भी प्यार का कंफ्यूजन हो गया है। हिमाना की सीरियल का नाम क्योंकि सास भी कभी ही माँ बहु बेटी होती है ये नाम है, लेकिन कहानी अब ना ट्रायंगल लव स्टोरी पर आ गई है। नहीं, कंफ्यूजन तो किसी के भी मन में नहीं है, सबको बहुत क्लियरली पता है कि किसको कौन पसंद है। कंफ्यूजन ये है कि कौन किसके साथ आगे जाएगा, किसकी किससे शादी होगी, वो कंफ्यूजन है, वरना हमें तो पता है हमें कौन पसंद है। एक केसर जो कबीर का बहुत ही प्यारा दोस्त है, और हमने ये भी देखा है कि केसर और सूरज की सगाई हो गई थी। फिर वो अलग बात थी कि सूरज पहले केसर को पसंद नहीं करता था, लेकिन अब वो केसर को पसंद करने लग गया है। एक केसर ने भी जब सूरज को अपने सामने देखा तो उसके प्यार में गुम हो गई। फिर दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिक हो रहे थे, तभी इतने में इस सामने से कबीर की एंट्री हो गई और केसर के मुंह से एक कबीर का नाम निकल गया जब सूरज ने ये कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं इसकी तरह से देता हूँ, मैं सूरज, मुझे बहुत बुरा लगा जब कबीर का नाम केसर ने लिया, मेरे को लगा कि ये हुआ क्या है। मैं इसकी तरफ से बोल देता हूँ, इसको बहुत अच्छा लगा। तो अपनी फीलिंग बता भाई, फीलिंग बता। अब सूरज को तो गलत फहमी हो गई कि धत तेरी की, ये तो कबीर से प्यार कर रही है। तो वही एक कंफ्यूजन कबीर को भी था। फिर पहले कबीर केसर को दोस्त समझता था, लेकिन अब एक केसर उसके दिल में घर कर गई है। बुरा तो लगा ही है, बुरा तो काफी लगा कि एक्सपेक्ट कर रहा था, बिकॉज अभी सूरज की फीलिंग्स केसर की तरफ काफी हो रही हैं और केसर ने कबीर का नाम ले दिया, विच इज नॉट गुड फॉर सूरज। तो अभी थोड़ा इनसिक्योर हो रहा है, पोजेसिव हो रहा है। इंटेंशनली नहीं लिया, वो तो उसको कबीर दिख गया सामने, तो उसने ऐसे बोला अरे कबीर। तो बट ये सूरज के लिए बहुत बड़ी बात है कि कैसे कबीर का नाम आ गया, अब वो रिएक्ट तो पक्का करेगा। फिलहाल यहाँ पर सूरज का कंफ्यूजन भी दूर हो गया तो उधर कबीर का भी, लेकिन जरा ये तो सोचिए कि केसर क्या चाहती है, केसर के मन में क्या है। अब इसका पता इतनी आसानी से तो चलेगा नहीं, फिर थोड़ा सा ड्रामा होगा, प्यार को लेकर कंफ्यूजन होगा, फिर कहीं जाकर कंफ्यूजन दूर होगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। राधा मोहन में ये लोग मालदीव्स का अपना शूट तो खत्म करके आ गए हैं, लेकिन इनका दिल अभी भी लगता है कि मालदीव्स के उन खूबसूरत बीचेस पर रह गया है। आप भी सुनिए इनकी बातें, आपको भी यकीन हो जाएगा कि इन देयर हार्ट दे स्टिल आर इन मालदीव्स। जैसे हमें भी ले जाते, हम भी वहीं पर जाके बस जाते। राधा मालदीव से तो आ गई, लेकिन उनकी यादों में अभी भी वो खोई हुई है। अब जब इतने दिनों के बाद राधा के साथ मुलाकात हुई है तो हम जानना चाहेंगे कि भाई हनीमून सीक्वेंस के लिए आप दोनों, यानी कि राधा और मोहन, मालदीव गए थे तो वहाँ पर क्या क्या किया आप सबने, कितने मजे किए, डेली का रूटीन कैसा होता था, और जरा ये बताइए शूटिंग करना कितना मजा आया।
आई थिंक मॉलीज इतना ब्यूटिफुल है, सारी शेड्स दिखते हैं आपको ब्लू के जब आप ऊपर से देखते हो, तो आई थिंक वो काफ़ी ज़्यादा आपके माइंड को रिलैक्स करता है वो जब आप शेड्स देखते हो, तो वो अमेजिंग था। फिर पानी, पानी में ऑफकोर्स शूट के बाद ही पानी में कूदना, ये तो मैं ऑफकोर्स कभी नहीं भूलूंगी। और पूरे पूरे प्रोडक्ट लाइक सबके साथ, लाइक हमारी क्रिएटिव, हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे डायरेक्टर शबी सर, मैं सब, हम सब ने जैसे ही हमारा पैकअप होता था हम पानी में कूद जाते थे, तो आई थिंक वो हमेशा याद रहेगा जिस तरह से हमने स्विमिंग की, स्नॉर्कलिंग की। हालांकि मैंने ज़्यादा नहीं की है, मैंने सिर्फ एक बार की थी स्नॉर्कलिंग शूट के टाइम पर, बट हाँ इट वॉज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। और खाने में तो ऑफकोर्स मैं इतने धूप में हमने शूट किया था तो मुझे ज़्यादातर कुछ खाने का मन नहीं करता था, बट हाँ जो मैंने खाया, मैंने बहुत गंद खाया एक्चुअली। मैं ज़्यादातर वहाँ पे मीठा ही खा रही थी, कभी चॉकलेट पुडिंग हो गया या कुछ हो गया, क्योंकि वो इतनी धूप थी ना तो मुझे मीठा खाने की ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। और जो चीज़ मैंने भर भर के खाई वो है फ्रेंच फ्राइज़ मेयो रोज़, मतलब रात हो सुबह हो या कुछ भी हो, फ्रेंच फ्राइज मेरा फिक्स था। और एक और चीज़ मैं बोलूँगी, ब्रेकफास्ट में जो मेरी फिक्स चीज़ थी वो ये थी कि डोसा, मुझे डोसा ऐसे भी बहुत पसंद है। और वहाँ पे सुबह सुबह, एक्चुअली मैं सुबह सुबह नहीं खा पाती, जैसे 6:30 इस टाइम पे हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, हमारा शूट स्टार्ट होता था, तो उस टाइम पे एक ही चीज़ जाती थी मेरी टमी में, वो है डोसा और चटनी, तो मैं सिर्फ वही खा रही थी। और सब ऐसे शौक थे कि रोज़ कोई कैसे डोसा खा सकता है, बट हाँ निहारिका खा सकती है रोज़ डोसा, बिकॉज़ आई लव इट। अब सबसे सोचने वाली बात ये है राधा के लिए कि उसने मालदीव्स में साड़ी पहना है, अब क्या करें, राधा का किरदार ही कुछ ऐसा है जो दुनिया के किसी भी कोने में चली जाए वो साड़ी पहनना नहीं छोड़ेगी। बहू का किरदार घर में भी ऐसा होता है और बाहर तो और भी मेंटेन करना पड़ता है। सबसे अलग लगा राधा का साड़ी पहनकर वहाँ पे रहना, हर टाइम बातें बातें करना, वो तो के कॉम्पिटिशन में ऐसा ड्रेस कोड था जो उन्होंने कहा था राधा को पहन के आना होगा, वो था गाउन, तो इस वजह से राधा ने गाउन पहना, अदरवाइज़ जितने दिन भी राधा मोहन वहाँ पे रहे राधा साड़ी में थी। अब राधा और मोहन अपने हनीमून से लौट आए हैं और यहाँ पर आने के बाद गुनगुन का एक्सीडेंट कैसे हुआ किसी ने नहीं बल्कि कादम्बरी और दामिनी दोनों ने मिलकर गुनगुन का एक्सीडेंट करवाया है, इस बात का खुलासा हो गया है। मोहन को तो शक नहीं बल्कि पूरा यकीन है, तो बस वो लोग ऐसे अज्यूम करें कि जो भी कुछ भी अब तक गुनगुन के साथ होता आ रहा है वो सब कुछ दामिनी और कावेरी जी ने करवाया और मामा जी ने करवाया। अब भी पूरे परिवार की बात करें तो सब जानते हैं कि दामिनी ने अब तक क्या क्या नहीं किया है, इसके बावजूद दामिनी का कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा है, भला ऐसा मुमकिन होता है क्या। वैसे जाते जाते आपको बता दे कि मालदीव्स में जो के मिला था ना उसके दिल में राधा बस गई है और वो अब राधा को पाने के लिए भारत भी आएगा और उसके बाद शुरू होगा एक साइको का प्यार, यानी कि तेरी मेरी डोरिया में जो अभी अभी रोमी और साहिबा के बीच हुआ था कुछ ऐसा ही राधा और मोहन में भी आपको देखने मिलेगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।